बताओ इन लोगों का क्या किया जाए बताओ। ये जो सुबह आके किसी के रोजी रोटी के बाहर बैठ जाते हैं आके, तो क्या किया जाए इनका? कोई अगर आपके पास इनका इलाज हो तो बताना जरूर। मैं इस वीडियो में ब्लर कर रहा हूँ फेस, लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या ये सही है? ये क्या करते हैं, पुलिस आती है डंडा मारती है भाग जाती है अगर दूसरे आए थे तो? ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, क्योंकि इसमें दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा रोल है। मैं ये सोचता हूँ, मेरा सोचना है, आप अपना ओपिनियन बताइए। एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, घर के सामने ठेका खुला हुआ है, स्कूल है बगल में, मतलब बच्चे हैं, फैमिली है, तो क्या ऐसी जगह पर ये ठेके होने चाहिए बताइए? वीओ का डे वन हालत बुरी, अभी पहली मिल आ रही है, खाना है, फिर लेट था। साढ़े चार बजे है और मुझे आधा घंटा लेट हो गया हूँ, मुझे निकलना है 4 बजे, लेकिन कोई बात नहीं, लंच का वर्कआउट है, नींद मेरी 2-3 हो चुकी है। अभी मैं साउथ दिल्ली जा रहा हूँ और नहा धो के फ्रेश हूँ, थोड़ी एनर्जी फील कर रहा हूँ। साउथ दिल्ली में पहुंच चुके हैं और गर्मी यार ऐसे गर्म वो लगते हैं ना फुहारे, वो लग रहे गर्मी के बहुत बुरे। मजेदार खाना, वाइट राइस और ये है बॉइल्ड चिकन जो टमाटो में, जैसी फोटो डालेगा ना तू चटनी के साथ डालेगा। पे था 2 महीने की तैयारी में आर्नोल्ड को जिता दिया,
सबसे पहले उठ गया, सब सो रहे हैं और बढ़िया हवा चल रही है, तो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ वर्कआउट। डेढ़ घंटे का वर्कआउट है, जब तक बच्चे उठेंगे, मैडम उठेगी, तब तक मैं आ जाऊँगा। और अभी बाइक को बाहर निकालता हूँ, आदत नहीं है बाइक को निकालने की, फिर सो रहा था नहीं घर में, वहाँ चलो हम ही निकाल देंगे बाइक। तीन दिन हो गए वैसे जीरो काप पे, लेकिन फिर भी एनर्जी और फोकस पूरा है, तो चलिए चलते हैं जिम में। पहुंच गए हैं जिम, लेकिन यार क्या बताऊं आपको, ये खाना ना होने की वजह से ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो नहीं है, उसके अलावा जो माइंड में जो विल पावर होती है ना, उससे वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। और जो हमारे इंडिया के इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट हैं, उनको सल्यूट है, क्योंकि बहुत मेहनत करती है, तो रेस्पेक्ट कीजिए हर एक एथलीट की। तो चलिए जिम चलते हैं। से निकलने का टाइम हो गया है पूरे, आप देखो 1:50 के रहा आज का हमारा वर्कआउट, और डिप्लीटेड हो रही है बॉडी, एनर्जी बिल्कुल जीरो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वाटर लॉस हो रहा है स्किन में से, और मज़ा आ रहा है बस, ठीक है, मज़ा आ रहा है ये करने में। डैडी को मिस कर रहे थे कितना? मैं आपको बहुत थी। ये क्या खा रहे हो आप सुबह सुबह? आइसक्रीम। बच्चों ने सिम्बा के डर से चप्पलें ऊपर रखी हुई है ना? क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रहा भैया? बस तो पूछो। छूट करने की हिम्मत नहीं थी, अब फाइनली घर पे आ चुके हैं, डाइट ले ली है, डाइट ये रखी देखो, और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बीच बीच में ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और शुरू में जो आपने देखा माहौल, इसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट जरूर ड्रॉप करना, और सजेशन भी देना क्या करना चाहिए, क्या इनका इलाज हो सकता है, किसको गुहार लगाई जाए पुलिस के अलावा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ठेका ही बंद हो, रेजिडेंशियल एरिया के सामने से या बीच में से। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपने परिवार के साथ रहे, अपने प्रियजनों के साथ रहे, दोस्तों के साथ रहे, और सेहत का ध्यान रखे, सबसे धनी इंसान वो है जिसके पास अच्छी सेहत है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।